नमस्ते दोस्तों, सुमिता किशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूजी के मिल्क केक की रेसिपी लेके आई दोस्तों बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाती है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें। अब चलिए इस मिल्क केक को हम कैसे बनाए देखते हैं। सबसे पहले एक कटोरी सूजी ले लिया है और एक कप घी ले लिया है। गैस पे चलते हैं। गैस पे पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब घी डाल देंगे, घी क्वांटिटी में ज़्यादा ही चाहिए। सूजी डाल देंगे। अब सूजी को हमें भूनना है इसी तरह से चलाते हुए। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके हमें सूजी को भूनना है। देखिए इसी तरह से हमने 5 मिनट तक भून लिया है। सूजी को डार्क नहीं करना है। 2 मिनट और भून लेंगे। 2 मिनट हो गई है, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। इसी तरह से 1 मिनट चला लेंगे। 1 मिनट हो गई है। 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है, वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये प्रोसेस हमें गैस को ऑफ करके ही करना है। मिक्स कर लिया है, अब हम साइड में रख देंगे। इसके लिए चाशनी बनाएंगे। एक सॉसपैन ले लिया है, जिस कटोरी से सूजी लिया है उसी कटोरी की 1 कटोरी चीनी ले लिया है। अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी कटोरी की मदद से 2 कटोरी पानी मिलाएंगे। चीनी को मेल्ट होने देंगे। देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। हमें कोई एक तरह की चाशनी नहीं बनानी है, चाशनी बिल्कुल इसी तरह से ही चाहिए हमें। अब साइड में रख देंगे। गैस को बिल्कुल कम कर देंगे और जो सूजी भून के रखा था वो गैस के ऊपर रख देंगे। अब इस चाशनी को हम सूजी के अंदर डाल देंगे और हमें मिक्स करना है अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके इसी तरह से चलाते रहना है। हाथों को रोकना नहीं है, इसी तरह से चलाते ही रहना है। और जो लम्स देख रही है वो इसी तरह से हम मिक्स कर देंगे। देखिए गाढ़ी होती जा रही है, गाढ़ी हो गई है। हम गैस को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक पैन में से छोड़ ना दे। 4-5 इलायची के दाने कूट के ले लिया है, वो डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए पैन में से छोड़ने लगा है। इसी तरह से हमने 3 मिनट चलाया है, 2 मिनट और चला लेंगे। इस प्रोसेस को आपको गैस का फ्लेम हाई करके ही करना है। 2 मिनट हो गई है, देखिए छोड़ने लगा है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। इसी पैन में ही थोड़ी देर इसी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए थोड़ी देर हमने इसी तरह से चलाया है। जमाने के लिए एक टिफ़िन बॉक्स ले लिया है, ये तो हर घर में होता है। थोड़ा सा घी से ग्रीस कर देंगे इसी तरह से। अब इसको डाल देंगे, इसी तरह से सेट कर देंगे। इसी तरह से दबा दबा के सेट करना है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए कितनी बढ़िया सेट हो गई है। अब 5 घंटा के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं, घंटा बाद मिलते हैं। देखिए 5 घंटा बाद हम निकाल के लिए आए, बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। इसी तरह से हटा देंगे, चाकू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम निकाल लेंगे। देखिए वाओ कितनी आसानी से निकल गई है और बहुत बढ़िया तरह से सेट हो गई है। अब कट लगा लेंगे। अपने ऊपर है, आप कैसा भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बनी है। देखिए सजा लिया है। एक एक पिस्ता रख देंगे, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। देखा दोस्तों सूजी का मिल्क केक बनाना कितना आसान है, झटपट बन जाते हैं और बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। देखिए दोस्तों हमने पिस्ता लगा लिया है, कितना सुंदर लग रही है। अब जो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।